Hello everyone. Good morning everybody. So today in this video we'll be discussing about how to scan RSI crossing a particular moving average. ओके एंड हाउ टू प्लॉट इट. ओके ये दोनों चीजें यहाँ पे सीखेंगे. जिन्होंने अगर नो आरएसआई को प्लॉट करना नो जीरोधा में कभी नहीं किया है तो वो उनको ये आइडिया मिल जाएगा कैसे किया जाता है. अगर उनको स्कैनिंग भी करना है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे भी मैं बताऊंगा, ठीक है, करके बताऊंगा. ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस चीज बता देता हूँ, जो लास्ट नेक्स्ट वीक में हमारा जो इंटरनेट ट्रेडिंग का जो सीरीज आने वाला है वहां से जो भी कंटेंट आपका रहेगा, कुछ चीजें ऐसा रहेगा कि आपको टेलीग्राम नंबर पे ही आपको दिया जाएगा, तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ. तो आपको टेलीग्राम नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में मैं चैनल का लिंक दे दूंगा, तो वहां पे आपने जाके ज्वाइन कर लीजिए. वहां पे जो सीट वगैरह है वहां पे आप डाउनलोड करने के मिल जाएगा. दूसरी बात है, यहाँ पे कभी भी हमारा चैनल पे जो भी स्किनर आएगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी अपलोड होगा, क्योंकि यहाँ पे रहेगा तो लोगों को सर्च करने में बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन वहां पे अगर जाओगे तो हमारे चैनल पे ऑटोमेटिकली हमारा स्क्रीन जितना भी है वहां पे आपको मिल जाएगा आसानी से. ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने टेलीग्राम नंबर पे ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया, तो आप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, दूसरी बात है, यहां पे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपने स्कैनिंग रिलेटेड जो भी टूल्स हमने यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर स्कैनिंग में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है. ठीक है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो हमारा जो नया वीडियो है आपको आसानी से मिल जाएगी. ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. जैसे कि ये आरएसआई में प्लॉट कर दिया, यहाँ पे आरएसआई 14 का प्लॉट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आपको मूविंग एवरेज लगाना है, कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ. आपको जाना है पहले मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है. ठीक है, इसको मूविंग एवरेज को 30 कर दो और यहाँ पे क्लोजिंग को हटा के यहाँ पे आरएसआई 14 को क्लिक कर दो. जैसे ही आपने 14 को क्लिक करा, देखो ये यहाँ पे मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया. ठीक है, ये जीरोधा में इनबिल्ट नहीं है, आपको शेर खान में मिल सकता है, लेकिन बाकी कुछ कहीं पे भी है, लेकिन जीरोधा में इसका इनबिल्ट नहीं है. आपको ऐसा किया जाता है, जीरोधा पे नहीं है तो आपका जो भी ब्रोकर ऑपस्टॉक में भी कर सकते हो आपने इसको. देखो ये हो सकता है ऑपस्टॉक में भी. ठीक है, इसको एक्सपेंसिल कर दो. ठीक है, और डाउन कर दो. आप देखोगे जहां जहां पे भी ये क्रॉस ओवर आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपका जो मोमेंटम है, जैसे कि अगर ये आरएसआई नीचे चला गया, मूविंग एवरेज ऊपर है तो ये नेगेटिव मोमेंटम है, आरएसआई अगर ऊपर है और मूविंग एवरेज नीचे है तो ये पॉजिटिव मोमेंटम है. ठीक है, तो ये इसको इसी तरीके से आपने यूज मत करना, इसको किसी पर्टिकुलर चार्ट के साथ आपने इसको प्लॉट करना है. मतलब कि आपका जो सेटअप है आपको इसके साथ यूज कर सकते हो. अगर आपने पहले से यूज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा तो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मैं कोई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर रहा हूँ, और ये मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये क्रूड में नहीं चल रहा है, ये स्टॉक में चलेगा या फिर निफ्टी में चलेगा या फिर रिलायंस में चलेगा, किस में चलने वाला नहीं चलने वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ. अगर आपने यूज कर रहे हो या आपको यूज करना चाहते हो, आपको पता नहीं है, मैं इस चीज को दिखा रहा हूँ. ठीक है, अगर आपको इसको स्कैनिंग भी करना है मैं दिखाऊंगा. लास्ट वीक में मेरे कोई सब्सक्राइबर ने यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को स्कैनिंग चाहिए, मैंने उनको बना के दिया था. मैं देखा कि ये बहुत सारे लोगों का भी ये क्वेरी रहेगा, तो इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ. ठीक है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों, ये इंटरनेट ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम रहेगा वहां पे मैंने स्ट्रैटेजी के साथ साथ मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी के चीजों को डीपली टच करूंगा, तो उसके लिए आपने अलग सीरीज बनेगी. ये स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी है. ठीक है, चलिए दोस्तों ये वीडियो को कैसे अभी आगे बढ़ाते हैं. अभी यहाँ पे देखो मैंने प्लॉट कर दिया, प्लॉट करने के बाद आपको पता है मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है तो फिर आरएसआई नेगेटिव में है, मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आरएसआई पॉजिटिव में है. ठीक है, यानी कि बाइंग का मोमेंटम ज्यादा है. लेकिन यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना है, इसको स्कैनिंग कैसे करेंगे. अगर आपको स्कैनिंग करना चाहते हो तो जैसे कि मान लेते हैं कि इसी पर्टिकुलर एरिया में आरएसआई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो फिर मतलब मूविंग एवरेज को ब्रेक करके आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने केसेस स्कैन करेंगे. ये सारी चीजें हमने मैं चार्टिंग में अभी दिखाने वाला हूँ. ठीक है, और इसका जो स्क्रीनर है आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम नंबर पे, टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे ओपन किया हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेटेस्ट आरएसआई, इसको मैं कर दूंगा 5 मिनट,
और ये करूंगा लेटेस्ट, ये लेटेस्ट है ओके। क्रॉस्ड बिलो, जैसे कि मुझे नेगेटिव साइड में चाहिए तो क्रॉस्ड बिलो क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा ई एम ए, इसको कर दूंगा मैं 5 मिनट्स। और लेटेस्ट है, 0 का मतलब है लेटेस्ट है, ठीक है। अब ई एम ए को मैं कर दूंगा 30, और ये जो यहाँ पे क्लोजिंग था इसको मैं डिलीट करके क्या लिखूंगा, आर एस आई कैप्स लॉक ऑन करूंगा, आर एस आई लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट 14, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। तो ये आपको जब भी क्रॉस बिलो होगा ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, आपको ये दिखा देगा, ठीक है। अगर इसको मैं रन करूं तो आपको इसी अभी पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा स्टॉक में क्रॉस हो रहा है यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि बीपीसीएल है, मैं आपको दिखा देता हूँ बीपीसीएल में। आप देख रहे हो इसी पर्टिकुलर टाइम पे, चलो ये अभी यहां पे देखिए ये क्रॉस हो रहा है ना, अभी क्रॉस हो रहा है ना, अभी आज का दिन में ट्रेडिंग नहीं चल रहा है इसलिए वो ऑटोमेटिक क्लियर है, लेकिन ये देखो इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये क्रॉस किया है, ठीक है। जैसे कि यहां पे भी क्रॉस किया था, अभी ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं एंट्री ले लेता हूँ और एक स्टॉक, आप देख रहे हो अभी ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, अगर आपको ये चाहिए आपको इस कैनल मिल जाएगा। हाँ दूसरी बात है, अगर आपको क्रॉस्ड एबव चाहिए तो यहां पे सिंपली क्रॉस्ड एबव कर दो, क्रॉस्ड एबव कर दो, ठीक है। देख रहे हो जैसे कि कॉन्कॉर्ड सीमेंट्स में क्रॉस्ड एबव हो रहा है, देख रहे हो यहां पे क्रॉस एबव हो रहा है, तो ये क्रॉस एबव हो रहा है। लेकिन अगर आपको फेक क्रॉस ओवर को स्कैनिंग करना है, जैसे कि मैं इसमें लिखता हूं, जैसे कि हमको ऐसा चाहिए कि पहले जाए ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें करूंगा लेटेस्ट प्रीवियस का, ये प्रीवियस करूंगा मैं, प्रीवियस आर एस आई क्रॉस एबव प्रीवियस 5 मिनट का जो ईएमए है, ठीक है। प्रीवियस आरएसआई ईएमए को ऊपर गया, बाद में नीचे आ गया, तो ऊपर की तरफ जो गया था वो फेक है, तो यहां पे क्या करूंगा, फिर लेटेस्ट आरएसआई करूंगा, क्रॉस्ड बिलो, ईएमए यहाँ पे लेटेस्ट कर दूंगा, 5 मिनट का लेटेस्ट है, इसको ये मैं कर दूंगा 30, और ये क्लोजिंग को निकाल के मैं कर दूंगा आर एस आई 14 ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो इस तरीके से आपने आर एस आई का जो ऊपर की तरफ से जो दो जो फेक आउट था, फेक क्रॉस ओवर था, आपको ये मिल जाएगा, तो आपने नेगेटिव साइड में आपने ट्रेड कर सकते। जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि ये किसी एक टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ये हमारा जब बैटरी को आया था 230 को, या कोटक बैंक देख लेते हैं, कोटक बैंक आया देखो 230 230, जैसे कि इस एरिया में, एक मिनट, इस एरिया में ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ठीक है। और थोड़ा पहले चला जाता हूँ, टाटा स्टील 2 बजे, नहीं अभी थोड़ा, क्योंकि लास्ट मोमेंटम ज्यादा ये दिखाता है, प्रॉब्लम दिखाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको टाइम नहीं मिलेगा तो आपको जो मोमेंटम है आपको नहीं मिलेगा। अब इस एसबीआईएन को कहां पे पढ़ना था देख लेते हैं, एसबीआईएन के कितना बजे बना था, सॉरी एसबीआईएन का 115 को, ठीक है 115 को, ओके। तो यहां पे क्या हुआ, आरएसआई ऊपर गया,
आरएस से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ से क्या हुआ, फेक क्रॉसओवर था। तो इसी तरीके से आपने फेक क्रॉसओवर को भी आपने स्कैन कर सकते हो, ठीक है। ये स्कैनर आपको मैं ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फेक क्रॉसओवर, इसको आपने उल्टा कर दिया तो इसको क्रॉस बिलो कर दिया, इसको क्रॉस अबव कर दिया तो ऊपर की तरफ का नीचे की तरफ जो फेक क्रॉसओवर था वो आपको दिखा देगा, तो आप उल्टा डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि आपने अपने यू नो ट्रेडिंग का जो मोमेंटम किस साइड से जाने वाला है, ठीक है, तो आपको मालूम हो जाएगा। और इसमें अगर आप अगर पहले से यूज कर रहे हो लेकिन पहले सोच रहे थे कि यूज करना है लेकिन आपको कोई स्कैनर नहीं मिल पा रहा था, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे स्कैनर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ RSI फेक क्रॉसओवर। ओके ओके तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, और ये स्कैनर आपको चार्टिंग में मिल जाएगा, मतलब कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगा। दूसरा है क्या है, इसको अगर आपने टाइम फ्रेम बढ़ाना है तो फिर आपने ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉपी करके लेके टाइम फ्रेम बढ़ा के कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लोजिंग अबव 100 चाहिए तो जो भी चाहिए आपको ऐड कर सकते हो। ये ज्यादातर क्वेरी लिखने के लिए लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो आपको ये जो मेन क्वेरी है मैं यहाँ पे लिख के बता दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।